हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेंगलोर का मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रखा है, बिल्कुल बारिश हो रही है और एकदम से ठंडा हो गया है। और ऐसे मौसम में तो हम सबका बिल्कुल दिल से देसी है यार, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोगों का मन कर गया था पकौड़े खाने का, तो यहाँ पर बस मैं बेसन के पकौड़े बना रही हूँ और आलू प्याज और गोभी मेरे पास में रखी हुई थी, तो उसी उसी के लिए सब प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया था और इसमें मैं काट रही हूँ आलू प्याज और गोभी, और बस जो नमक मिर्च वगैरह मिला के बेसन में, और उसको मैं पकौड़े की तरह तल लूँगी। यार बेंगलोर का मौसम ना एकदम से ठंडा, एकदम मतलब 4 बजे बारिश हुई थी, फिर 1 घंटे बाद फिर से गर्म हो गया था, और फिर जब तक मैं ये बना रही थी शायद उस टाइम पे 6 या 6:30 बज रहे होंगे ना, फिर से ठंडा हो गया था और पूरी रात भर बारिश हुई है। बहुत मस्त, मैं बेंगलोर का मौसम की तो ना मतलब मैं फ़ैन हूँ, वैसी ऐसा बस मुझे, अगर मुझे बेंगलोर से प्यार है ना, तो एक रीज़न ये भी है कि इसका मौसम हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। और बस यहाँ पर यह पकौड़े बन रहे हैं यार, इन चीज़ों में ना ऑयल वॉयल बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो एक बार बस मैं ये टेस्टिंग कर रही थी यार कि मेरा तेल गरम हुआ या नहीं, ठीक ठाक गरम हो गया था। तो इसके बाद में बस मैं सारे के सारे अपने धीरे धीरे पकौड़े बना दूंगी। और ना थोड़ा सा मेरे पास 3 बार में मैंने ये बनाए थे, और रिधान को मुझे डाउट रहता है रिधान खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि नमक और मिर्च वाली चीज़ें ना वो नहीं खाता है इतना, बट ठीक है धीरे धीरे तो आदत डालनी ही पड़ेगी यार। लेकिन पता है क्या हुआ, उसने ना काफ़ी सारा खा लिया था, मतलब उसने कम से कम 1 कटोरी के करीब उसने ये पकोड़े खा लिए थे, और मुझसे और भी मांग रहा था, तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। इसलिए आपने देखा होगा ना मैंने इसमें हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाली थी, बस थोड़ी सी टेस्ट के लिए लाल मिर्च डाली थी और हल्दी वल्दी भी नहीं डाली थी, इसलिए आपको कलर थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा होगा इसका। और ये मैंने 3 बैच में बनाए थे, मतलब 3 बार मैंने इसको 3 बैच में मैंने फ्राई किए थे सारे पकौड़े, और यहाँ पर मैं इसको निकाल रही हूँ अब। और हाँ आप मुझे बताइएगा ना कि इसको कौन सी मीडियम हीट में, मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम में या फिर लो फ्लेम में फ्राई करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन सी चीज़ मीडियम फ्लेम पे फ्राई होती है, कौन सी लो पे, कौन सी हाई पे, तो मुझे बताइएगा। और यहाँ पर भी बस मैं चाय बना रही हूँ, इवनिंग टी जो हमारी रेगुलर इवनिंग टी होती है, और उसके साथ में पकौड़े, और ये लास्ट वाला बैच बचा था, इससे पहले 2 वाले ना ये लोग दोनों खा चुके थे, दोनों बाप बेटे खा चुके थे, और अच्छा था यार, मुझे अच्छी लगी वाली पकौड़ी, मतलब देसी हूँ यार दिल से, तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही अच्छी लगती हैं। और बस उसके बाद ना हमारे घर में हम लोग यहाँ पर पिलो फाइट खेल रहे थे, मैं और रिधान, लेकिन ना ये टाइम हमारा उसका होता है झाड़ू पोछा करने का, तो मेरे हस्बैंड ना बार बार हमको भगा रहे थे जहाँ जहाँ हम खेल रहे थे ना, तो ये लोग मैं वहाँ से कह रहे थे कि जाओ यार यहाँ पर थोड़ा सा साफ क्लीन कर लूँ। और रिधान को ना बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने का ना, क्योंकि शाम का ही टाइम होता है, तो वैसे वो पूरे दिन भर भी खेल के रखता है यार, मतलब मेरा घर ना बहुत ज़्यादा इस टाइप से, वो जब भी सोफे में बैठना है ना तो ऐसे नहीं बैठता सोफे में, वो सारे पिलोज नीचे गिराता है, फिर सोफे में बैठ के फिर आराम से वो टीवी देखता है। तो बस यहाँ पर हम लोग पिलो फाइट खेल रहे हैं दोनों के दोनों, और इसलिए ना हम लोग अब यहाँ पर उसके वाले प्ले एरिया में आ गए थे, और वो पूरे घर के तकिए ले आया था और उसके ऊपर वो बिल्कुल जंप अप हाई कर रहा था, पर ठीक होता है इस टाइम पर उसको ना बिजी रखना ठीक रहता है, क्योंकि फिर वो पोछा झाड़ू पोछा नहीं करने देगा। तो बस अभी ना मुझे रात के डिनर की प्रिपरेशन करनी है, और मैं बीन्स बना रही हूँ, आलू बीन्स। रिधान मुझे किचन में नहीं जाने दे रहा है, तो मैं इसके प्ले एरिया में ही आ गई हूँ, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई, अब इसको काटना है, इसको सब कुछ इसको काटना है, सब कुछ इसको करना है। लो रिधान ये खेल लो यार, लो। मौसम बहुत अच्छा हो गया बैंगलोर में, आप लोग जहाँ भी रहते हो ना मुझे बताइए कि आपके कैसा मौसम है बैंगलोर में, तो ना इस टाइम पर ऐसा इतना मस्त अच्छा सा मौसम हो गया है ना, ठंडा ठंडा सा। मम्मा ने बना तो दिया है रिधान, चाकू कैसे बनाते, मम्मा को नहीं बनाने आता प्लेट। और ये मेरा बन रहा है डिनर, आलू बीन्स बना रही हूँ मैं, और पता है इतना कुछ हैवी हो गया था ना, इतना वो हम लोगों ने पकौड़े जो खा लिए थे शाम को 6-7 बजे ही खाए थे, तो उसके बाद ना बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था खाने का, तो बहुत थोड़ा सा दिन का पुलाव भी बचा हुआ था और कल की सब्जी भी बची हुई थी, तो मेरी जो ये वाली सब्जी थी ना बीन्स आलू की, ये पूरी की पूरी ना ऐसी ही रह गई थी, मैंने ऐसे कैसे फ्रिज में रख दी है, तो वो नेक्स्ट डे खाई जाएगी।
और ना मैं हर बार ये सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ में ना थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन या फिर आफ्टरनून रूटीन या फिर कोई क्लीनिंग रूटीन वो सब शेयर करूँ, लेकिन यार ऑफिस के साथ साथ ना हो ही नहीं पाता। तो बस यही वाला जो टाइम होता है ना, इवनिंग से डिनर वाला जो टाइम होता है थोड़ा सा, तो वही मैं शेयर करती हूँ। और तो वही सब आपको आपके साथ में रहता है यार, मतलब वही सब शेयर कर पाती हूँ। आप लोग बताइए क्या, अगर आपको कोई और दूसरा भी कुछ ही टाइप का कोई और वीडियो देखना है, कोई और रूटीन देखना है तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी। बट नहीं हो पाता मुझसे, पर मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। मैं रिधान का भी रूटीन बनाने की सोच रही थी एक बार, कि रिधान का पूरा फुल डे रूटीन शेयर करूँगी, बट उसके साथ में उसका फुल डे रूटीन शेयर करना ना मुश्किल है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। देखती हूँ कभी कर पाई तो ज़रूर करूँगी। और बस ये सिंपल मेरी सब्जी बन रही है, टमाटर प्याज आलू डाल के, और इसको बस अच्छे से मैं फ्राई कर दूँगी और फिर ढक दूँगी। बट ये सब्जी मेरी ऐसी रह गई थी, हम लोगों ने जो भी लेफ्ट ओवर था ना उसी के साथ खाया था। रिधान के तो वही मैंने परांठा और आमलेट बना दिया था मैंने, पुलाव, और मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी सब्जी खाई थी इसकी, अच्छी बनी थी सब्जी ये वाली भी। यार पता है अपना लॉकडाउन जब से क्या स्टार्ट हुआ, अब तो खैर करीब करीब 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लॉकडाउन का फेज़ 2 ख़त्म होने को है और मुझे पूरा मेरे अंदर की पूरी गट फीलिंग कह रही है ना कि फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, पता नहीं। लेकिन अब ना मैं थोड़ा सा ना परेशान हो गई हूँ, परेशान के अंदर सेंस कि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा थकने लगी हूँ। ऑफिस का काम तो रहता ही रहता है, घर का काम भी रहता है, रिधान को संभालना वो भी एक काम होता है। तो कभी ना ऐसे दिमाग में आ रहा है यार, 4-5 दिनों से आ रहा है, काश मैं भी हाउस वाइफ होती यार, तो वो चीज़ें फिर भी मैनेजेबल होती ही इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में। कम से कम ऑफिस का काम ना आप छोड़ नहीं सकते, और इतनी मीटिंग्स होती है ना, मतलब कभी कभी मीटिंग नहीं होती है लेकिन जब मीटिंग्स होती है ना बिल्कुल बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं एक साथ, तब मुझे मतलब थक जाते हैं यार, इंसान थक जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है दिमाग में ना, काश मैं भी हाउसवाइफ होती तो शायद चीज़ें मेरे मैनेज करना, घर को ऑर्गेनाइज रखना, क्लीन रखना ज़्यादा आसान होता। कुकिंग तो चलो मैं कर ही रही हूँ यार, जैसे भी तैसे करके ना मैं 3 टाइम का 4 टाइम का बना ही लेती हूँ, मतलब इवनिंग स्नैक भी मेरे हो ही रहे हैं। मैं घर पर हूँ ना तो मन कर ही जाता है कुछ ना कुछ बनाने का, तो वो भी हो ही रहा है। और बट फिर ऐसा लगता है ना यार कि ऐसा ना कि दूसरे की थाली में ज़्यादा घी नज़र आता है, जो हाउस वाइफ्स हैं ना वो भी अपना अलग ही स्ट्रगल कर रही होंगी। मेरे साथ में तो ये कि चलो यार मुझे मेरे हस्बैंड काफ़ी हेल्प कर देते हैं, मतलब रिधान को संभालने वाला काम और जो क्लीनिंग वाला जो ये झाड़ू पोछा वाला काम है वो तो वो कर ही रहे हैं, क्लीनिंग भी कर ही देते हैं, मतलब मुझसे नहीं कहते कि ये गंदा पड़ा तुम साफ करो, ऐसा कुछ नहीं है, वो कर देते हैं साफ। और काफ़ी हाउसवाइफ्स को तो शायद ये भी नहीं मिलता होगा, मतलब पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप हाउसवाइफ है कि वर्किंग है, और आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प करते हैं या नहीं करते, और जो लोग इन लॉज के साथ में रहते होंगे ना, मुझे नहीं पता यार, मतलब शायद ये हो सकता है कि उनके इन लॉज उनकी हेल्प करते हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बस यही है यार, लेकिन शायद कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, क्योंकि जॉब तो मुझे अपनी बहुत पसंद है। इस टाइम पे वैसी प्रॉब्लम हो रहा कि ये लॉकडाउन के टाइम पे, वरना यार पहले मेड भी कुक भी सब होते थे, और रिधान भी स्कूल जाता था, मेरा टाइम होता था, मैं आराम से ऑफ़िस जाती थी, 4:30 तक मेरा ऑफ़िस होता था, मैं बिल्कुल ऑफ़िस 4:30 पर मेरा ऑफिस शिफ्ट टाइमिंग्स ख़त्म हुई, मैं अपना बैग पैक किया और आ गई 5 बजे तक, रिधान को पिक किया, उसके बाद वो मेरा टाइम और रिधान का टाइम, हम लोग बीच में चाय बना ली, रात को रोटी बना ली, किचन क्लीन कर ली, और फिर शाम को मैं रिधान को नीचे घुमाने लेकर जाती थी। आपने कई बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। तो और अब क्या हो रहा है ना कि मेरा लैपटॉप खुला हुआ है ना, तो खुला हुआ ही है, मतलब मैं काम कर रही हूँ फिर उठो, फिर बर्तन वगैरह धो, क्योंकि मेरा शाम को ही टाइम मिलता है मुझे बर्तन वगैरह धोने का, बर्तन धो, फिर वही चाय वाय बनाओ, कुछ इवनिंग स्नैक, फिर डिनर की तैयारी। रिधान मुझे बोलता रह जाता है मम्मा खेलो खेलो खेलो, खैर वो पूरे दिन भर कहता है कि खेलो खेलो खेलो, शाम को थोड़ा सा खेल पाती हूँ, इतना नहीं दे टाइम दे पाती जितना मैं पहले देती थी। तो बस हाउसवाइफ
यार कोई कंपैरिजन क्या करना हाउसवाइफ की और वर्किंग वूमेन की, लाइफ एक जैसी, सब अपनी अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं यार। और ये एक्सटेंड होगा लॉकडाउन, हमारी टिकट्स हो रखी है, मैंने बताया था आपको ना, 31 मई की टिकट हो रखी है, रिटर्न की शायद 9 या 10 जून की है, तो कैंसिल हो चुकी है हमारी यहाँ से जो जाने वाली टिकट्स है ना दिल्ली, वो कैंसिल हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं पता हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आने वाली भी कैंसिल होती है तो ठीक है चलो ट्रिप भी कैंसिल कर देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ से जाने वाली जो टिकट्स है वो थोड़ा सा हो सकता है 1 या 2 जून को लें, लेकिन फिर वो यार इतना दूर जाओ, इतना पैसा खर्च करके जाओ आप सिर्फ 4-5 दिन के लिए, यार मतलब मैं अपने मायके ही नहीं जा पाती हूँ, मैं ससुराल में ही रह जाती हूँ यार, और वो 4-5 दिन में तो क्या ही हो पाएगा जाना मुझे, तो देखते हैं यार क्या सिचुएशन बनती है, पता नहीं जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे यार, डर भी लग रहा है। चलिए यार इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मेरी आंखों से आपको नींद लग रही है और लग रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, तो चलिए यार इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए, उन्हीं लोगों के साथ में शेयर करना जिनको व्लॉग्स देखना पसंद है प्लीज़, और ठीक है चलिए मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ, अब तक बाय।